समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होने और सीटों का बंटवारा नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए चंद्रशेखर ने इसे मान सम्मान की लड़ाई बता दिया है। कहा जा रहा है कि कांशीराम का असली चेला हूं, इसलिए मुझे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। वहीं बीएसपी ने अब इस पर कहा है कि ऐसे तो चंद्रशेखर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के दरबार पर जाकर ठोकरें खा रहे हैं और वहां उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। बीएसपी को तो अखिलेश यादव खुद घर आकर मिलते हैं। मायावती का मान सम्मान इतना कम नहीं हुआ है, ऐसा बीएसपी के कार्यकर्ताओं का मानना है। जबकि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को 2 महीने तक इंतजार करवाया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसको लेकर चंद्रशेखर ने नाराजगी जाहिर की है। कल ही चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि वे 48 घंटे का अखिलेश यादव के बात करने का इंतजार करेंगे। अगर बात होती है तो ठीक है, नहीं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी। कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बात नहीं की है, मायावती की तरफ से भी बात नहीं हुई है, क्योंकि बीएसपी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अब भीम आर्मी को ये देखना है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए दलित वोटों को एकत्रित रखना जरूरी है। ऐसे में वे अब कौन सी पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं, ये आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए किसी ऐसे समाज व संगठन को समर्थन दे सकते हैं जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करे।